और बताना इसको धुल सकते हैं कि नहीं। इसमें जो पस था और पैर पका हुआ तो पानी जो भी है इसमें सब लग गया था। सब्जी चावल बना है। अच्छा खाए आयो कहीं तो खाए आयो। दोस्तों रात का टाइम है तो दोस्तों रात हो गया, अंधेरा हो गया। यहाँ बल्ब जला के सब्जी दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा आलू बैंगन टमाटर का सब्जी का पराठा बना के रख दी है। गुंजन पराठा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना। सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग नहा लिए हैं। यहाँ पर सारा कपड़ा धुल के फैला दीजिए। यहाँ पर गुंजन बैठी हैं और बैंगन का सब्जी काट रहे हैं तो बनने जा रहा है। मासी मासी नमस्ते। नमस्ते। तो यहाँ पर मैं बैंगन को काट रही हूँ और आज यही सुबह बैंगन का सब्जी बनेगा। तो देखिए कुछ इस तरह बैंगन है हमारा। भी नहाए हैं थोड़ा, अभी धुंधला है, दिन नहीं निकला है, लाइट को बंद करना है। और यहाँ पर सारा कपड़ा धोकर फैला दी है। शीतल अभी दिखाई है, मैं बैठे बैठे दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं काम लिख रही हूँ। हाँ तो यहाँ पर अंजलि काम लिख रही है, अपना पूरा कर रही हैं। तो अभी बर्तन धुल के बाहर रखा हुआ है, लाने जा रहे हैं। यहाँ पर शीतल और गुंजन बर्तन को उठाकर ला रही हैं सब लोग। तो अभी गिरने वाला था, देखिए अभी दिन नहीं निकला है, हल्का उजाला हुआ है और सूर्य भगवान अभी पौधे के पीछे हैं। तो बकरियाँ सब यहाँ बंध गई हैं। यहाँ पर गुंजन लाकर बर्तन रख दी। तो दोस्तों आज बिस्तर निकाल दी हूँ इसका जो कवर था। और बताना इसको धुल सकते हैं कि नहीं। इसमें जो पस था और पैर पका हुआ तो पानी जो भी है इसमें सब लग गया था। सो रही थी और मैं ध्यान नहीं कि एक हल्का पतला बिस्तर बिछा लूँ, बस जैसे तैसे उसमें दिमाग ही नहीं काम किया। तो अब कहना नहीं चाहिए, स्मेल आने लगा था। तो आज चंदन धुल दिए हैं, मच्छरदानी भी धुल दिए और ये वाला नहीं धुली, क्योंकि इसलिए नहीं धुली कि ये पानी पड़ेगा ख़राब होगा कि नहीं। तो हम कभी पहले तो था नहीं मेरे पास, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सबसे जानना चाहते हैं कि इसको हम धुल सकते हैं कि नहीं धुल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी लग गया है। तो यही पूछना चाहते थे। और नहीं धुल सकते तो धूप में दो चार दिन रखेंगे तो सूख जाएगा, स्मेल भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अपना ही अंग है लेकिन फिलहाल कहना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ था और है। तो दोस्तों हम यहाँ चूल्हे के पास आ गए हैं और अब हम दाल धुलने जा रहे हैं। बैंगन का सब्जी आलू काटी थी तो गुंजन बोल रही है नहीं अच्छा लगेगा मम्मी, दाल अच्छा रहेगा शाम को बनाना। तो बैंगन की सब्जी रख दी हूँ, शाम को बनाएंगे। और इस टाइम दाल ही बनाएंगे, इन सबको दाल ही पसंद है। तो यहाँ मैं चावल को साफ कर रही हूँ। तो यहाँ साफ कर रही हूँ, देखिए पूरा एक किलो चावल एक टाइम में बनेगा, एक किलो के बराबर हो गए चावल। तो 5 किलो लाए थे, 5 दिन चलेगा। अब हम दाल को धुल रहे हैं, मम्मी चावल को बिछा रही हैं। तो दाल धर फिर रोटी बनेगा, फिर भात बनेगा। हम यहाँ पे चावल को धुल रहे हैं, आज बहुत अच्छा टेस्टी से बनाएंगे दाल। तो दोस्तों यहाँ रोटी बना रहे हैं, चाय छान रही हैं गुंजन। हम चाय को छान रहे हैं, चाय बन गया है, अभी सब लोग जा रहे हैं। बताएंगे कि अच्छा बना है कि नहीं। अंजलि बोलो कुछ। तो चाय बन के कंप्लीट हो गया है, सब्जी दाल चाय बन के कंप्लीट हो गया है, रोटी चावल बन गया है। अब बुनियाद बारिश होने वाला है। हाँ
का बनायो? सब्जी चावल बना है। अच्छा खाए आयो? कई तो खाए आयो। अच्छा अभी नहीं खाए। दीपावली का आवे खाए कहे गए? नहीं आवे है ना। तो दोस्तों अभी चंदन के पापा का फोन आया था, बात कर रही थी, आज 3 दिन के बाद फोन लगाए। तो मैं बोल रही थी दीपावली को आना है, तो हमारी एक दो बहन पूछ रही थी कि दीपावली को भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं आप सबको डायरेक्ट दिखाई, तो कह रहे हैं नहीं अभी नहीं आना है, तो अभी इस बीच में नहीं आएंगे। का टाइम है, सुबह सब्जी नहीं बनाई, गुंजन बोली कि सब्जी नहीं बनाना है ये वाला, तो बैगन रखा हुआ था काट के, वैसे ही दाल बना दी थी क्योंकि लेट हो रहा था। तो यहाँ शाम के टाइम धुल दिए हैं सब्जी और यहाँ बैगन को फ्राई करने जा रहे हैं। बैगन को फ्राई करना ज़रूरी होता है, तो बैगन को चला देते हैं। यहाँ पर हम चावल धोल रहे हैं, गुंजन टमाटर काट रही है, तो बैगन को फ्राई कर लेते हैं, टमाटर बाद में डालेंगे क्योंकि खराब हो जाएगा ये, आलू पकेगा नहीं बाद में, इसलिए डालना पड़ेगा। तो डाल दिए हैं, हरा बचा है डालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जीरा डाल देते हैं, वैसे अब अंधेरा हो गया होगा, कढ़ाई में दिख रहा है कि नहीं, तो यहीं पे डाल देते हैं मिर्ची और प्याज को। दोस्तों तेल ज़्यादा डाल दिए हैं, इनके बुआ खाए हैं चंदन के, तो सब्जी फीका बनेगा, अच्छा नहीं रहेगा। ये तो मसाला को डाल देते हैं। तो दोस्तों हम सब्जी तड़क लेते हैं, फिर दिखाते हैं हम सब्जी कैसे आज बनाए हैं आलू बैगन का। रात हो गया, अंधेरा हो गया, यहाँ बल्फ जला के सब्जी दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा आलू बैंगन टमाटर का सब्जी कुछ इस तरह बना हुआ है, यहाँ पर सब्जी बनके तैयार हो गया। पर गुंजन पराठा बना रही है, सारा पराठा बना के रख दी है गुंजन पराठा से। तो यहाँ पर गुंजन पराठा सेक रही है, तो यहाँ पर हम पराठा सेक रहे हैं, वहाँ पे सब्जी पक चुका है, भात भी पक चुका है, सब लोग जा रहे हैं खाने। यहाँ पर पराठा बना रही है, अभी आप सबको मैं दिखाई, यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा बन गया है, आप सब भी आकर खा लीजिए। अभी अंजलि और सब इसी तरह बुलाती, दिन होता तो आज मैं ही बुला दी आप सबको, रात को जा रही है खाने, शाम का खाना। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। तो ये सब स्कूल जा रहे हैं, कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कमेंट आया, सभी भाई बहन बहुत अच्छे से कमेंट किए, और बीच में चंदन के पापा बात कर रहे थे, आप सबको दिखा दी, तो कई भाई बहन पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और इस पर यूट्यूब पर कमेंट में भी पूछते हैं कि संगीता जी कब आएंगे चंदन के पापा, तो वो दीपावली के बाद में आएंगे, लेकिन दीपावली के बीच में नहीं आ पाएंगे, तो काम में लगे हैं अभी, और कह रहे हैं कि आकर क्या करेंगे बैठकर वहां घर पे, अभी काम भी ऑटो का नहीं चल रहा है। तो यही सब बात है दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते।